समझा रहे यार हेलो दोस्तों, मैं गोगरा चौधरी पैरामाउंट एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी से मेरे एक जो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मैं बीच में लाइव आ रहा था, वो किसी कारणवश डिसकनेक्ट हो गया था। इसके लिए मैं अब दोबारा आ रहा हूँ और आपके जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है उनको सोल्व कराऊंगा। जो ये टेक्निकल है, ये बार बार इशू हो जाने के कारण आपके जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था ये नहीं हो पाया था। अब जो हमारा जो टेक्निकल जो स्टार्ट हुआ है तो उसे अब मैं आपको जो आगे के जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपका। मैंने 30 मिनट खराब कर दिए और 30 मिनट मेरे भी खराब हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, जो अपना क्वेश्चन नंबर 41 जो अपने आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन आया था, जो 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, उनको अब मैं आपके सामने सोल्व करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट, जो 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन की प्रति हेक्टेयर की दर से कितनी यूरिया, यानी जो यूरिया है वो कितनी आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है, 306, 325, 3255, 690? इसका राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा 3255 केजी। बी कर लो बेटा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भरतपुर व करौली जिले में राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर करौली राजस्थान के कौन से जलवायु खंड में आते हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो राजस्थान के एक जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 10 है उसमें से जो जिला दे रखा है भरतपुर व करौली, यानी अपन को दो जिले दे रखे हैं भरतपुर करौली, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ए, क्या होगा, थर्ड ए, हाँ भरतपुर व करौली थर्ड ए में आते बेटा। किस प्रकार की मृदा अपरदन में मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चल पाता, यानी वह कौन सी मृदा है जिसके अपरदन में मृदा में मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता, बताओ। सुनील बोचलिया, गुड। राहुल खोकर, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। राइट आंसर होगा परत अपरदन, कौन सा होगा, परत अपरदन।
आधार बीज फाउंडेशन शीट थे लेपर किस रंग का टैग लगा होता है? जो आधार बीज होता है ना, जैसे अपने जो हाइब्रिड होते हैं उनके सबके अलग अलग कलर होते हैं, पीला भी होता है, ग्रीन भी होता है, व्हाइट भी होता है, जो आधार बीज है उसका कौन सा कलर है? हाँ, आधार बीज का कौन से कलर? आधार बीज सफेद, हरा, पीला, नीला। इसका राइट आंसर है सफेद। राइट आंसर होगा सफेद। श्री लोकेश्वर, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक यानी जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है ना, उसका एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 17 में 19 में 16 में 18 में। 14 अप्रैल तो सब में कॉमन है लेकिन सन अलग है, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 14 अप्रैल 2016 में हुआ था। 14 अप्रैल 2016 में। वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन में योग्य फसल की उपज होती है। वाष्पीकरण में प्रयुक्त, जो वाष्पीकरण होता है ना उसमें प्रयुक्त प्रति इकाई उत्पादित विपणन की योग्य फसल की उपज बताओ। अजीत चौधरी जी, जी सर आपका सही है, बिल्कुल सही है। बताओ देखे, जल उपयोग उपयोग दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता, जल भंडारण दक्षता और जल वितरण दक्षता। इसका राइट आंसर है बी, जल अनुप्रयोग दक्षता। राइट आंसर है जल अनुप्रयोग दक्षता। अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, जो अंधी गुड़ाई है ना किसमें सिफारिश की जाती है? इसकी अंधी गुड़ाई में सोयाबीन, कपास, गन्ना, मक्का। बताओ मुकेश मेला 2016, बिल्कुल। राइट आंसर है इसका गन्ना। किसमें क्या? गन्ना में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में मुख्यालय के साथ की गई थी। जो मौसम विभाग है ना मीटरोलॉजी, उसका 1875 में मुख्यालय के साथ की गई। मुकेश मेला पढ़ना भाई, सुनील बोचलिया पुणे।
बिल्कुल सुनील बोचला जी, पुणे, राइट आंसर डी। मुनीय जी सर आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, गन्ने का अपना निकल चुका। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है ना, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने, कौन से वैज्ञानिक ने किया? वाल्टर जेम्स, लॉर्ड नॉर्थबोर्न। वाल्टर जेम्स, लॉर्ड नॉर्थबोर्न। सी सी होगा इसका राइट आंसर। जो अपना क्वेश्चन नंबर 51, इशार सुगंध DH36 फसल किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? इशार सुगंध DH36 इज इंपोर्टेड वेराइटी ऑफ क्रॉप, फसल वेराइटी किसकी है? बताओ मुनेश जी सर। हिसार सुगंध DH36 इज इंपोर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप, राइट आंसर है धनिया। क्या है राइट आंसर? धनिया। इट इज ऑल्सो रेफर्ड इज द किंग ऑफ फाइबर्स, कॉटन, जूट, फ्लेक्स, स्नैप, यानी कि रेशे, इनमें रेशों का जो राजा है ना, वो कौन सी, किसको बोला जाता है, कौन सी फसल है जिसको रेशों का राजा बोलते हैं? सनई, जूट, फ्लेक्स या कपास? ऐसे रेशों का राजा किसे कहा जाता है बताओ, क्योंकि आज ये क्वेश्चन करीब करीब हर स्टूडेंट ने गलत किया है। सुनील बोचला झूठ। इसका राइट आंसर जूट नहीं है, कपास आएगा। जो नया डेटा दिया है उसके अंदर चेक करो, आप जूट मान रहे थे लेकिन जूट नहीं होगा, इसका कपास होगा। एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? यानी जो एक जो मर्दा है ना मिट्टी, मिट्टी का जो स्थूल घनत्व है 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है, तो उस घनत्व का 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसके रंध्रावकाश, जो रंध्रावकाश है ना, उसकी प्रतिशतता ज्ञात करो।
डी 42। राइट आंसर है 42। निम्नलिखित में से बाजरा का एक परजीवी खरपतवार कौन सा है, जो बाजरा है ना, वर्तमान में अपने बाजरे की जो फसल है उसका, बाजरे का जो परजीवी खरपतवार किसे कहते हैं, जिसको हम खेत में कभी उगाते नहीं, अपने आप स्वेच्छा उस फसल के, यानी जो फसल उगाते हैं उसके अनुरूप उग जाता है, अवांछित पौधों का उगना खरपतवार कहलाता है। तो बाजरे का खरपतवार कौन सा है, बाजरे का खरपतवार परजीवी स्ट्राइगा स्पीशीज बाजरे का खरपतवार। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है, निम्न में से कौन सा बासमती, जो बासमती चावल है उसकी गुणवत्ता क्या पूछ रहा है इसमें, गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है, संकर हाइब्रिड किस्म है, ये हाइब्रिड बासमती पूछ रहा है, क्वालिटी राइस जो हाइब्रिड है उसकी क्वालिटी राइस कौन सी है बताओ। PRH 10 जो बासमती चावल है ना उसकी गुणवत्ता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 57, बॉटनिकल नाम ऑफ बार्ले यानी जो का वानस्पतिक नाम जो 12th के अपने बुक में नहीं पढ़ा था, जो गेहूं बाजरा सबका बोटनिकल नाम दे रखा था, तो बाज इसके अंदर जो का पूछ लिया, जो का वानस्पतिक नाम। जी हम इस तो मक्का होर्डियम वल्गेर होडियम वल्गेर जो का वानस्पतिक नाम है, क्या है जो का वानस्पतिक नाम होडियर वल्गेर। कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहा जाता है, ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये अपने टेस्ट सीरीज में कितनी बार दे चुके हैं आपको पता है, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे थे कम से कम ये क्वेश्चन 5 बार पहुंच चुके टेस्ट सीरीज में, कैमल क्रॉप किसे कहते हैं, बाजरा मक्का ज्वार मोठ, कैमल क्रॉप ज्वार को कहते हैं, किसको कहते हैं, ज्वार को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्था ICEA की स्थापना, ICAE की स्थापना कहां की, ICAE की स्थापना कहां की थी, झांसी में, जबलपुर, हैदराबाद, भोपाल। राइट आंसर है भोपाल में की थी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय
यानी सेंट्रल कृषि अभियांत्रिकी संस्था का जो स्थापना वो भोपाल में की थी, इसका राइट आंसर भोपाल होगा। ठीक है बेटा, हो आम तौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आमतौर पर जैम जेली सॉस अपन बनाते हैं ना, उसके लिए आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन, जो पेक्टिन है ना पेक्टिन, अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। जी मुनेश जी सही है आपका आंसर है। जीरो पॉइंट टू पॉइंट जीरो से 2.5, 1.5 से 2.0, 0.5 से 1.0, 2.5 से 3.0। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी है इसका, 0.5 से 1.0, इसका राइट आंसर सी क्या है? सी। सिंचाई की है जो प्रणाली है ना पौधे के उसके उपभोग और उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करता है, यानी उसका जो उपभोग्य और उपयोग यानी दोनों के अंदर बराबर पानी देता है, यानी पानी की जो आपूर्ति है ना सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं, कौन सी विधि बराबर, यानी किसी भी पौधा हो उसको उसकी क्षमता के अनुसार जो बराबर पानी देने की जो है वो कौन सी विधि है? चेक बेसिन सिंचाई विधि, फरो सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई, प्रवाह सिंचाई। प्रवाह में तो पानी बहकर जाता है। हाँ, बूंद बूंद विधि इसका राइट आंसर सी है। बूंद बूंद विधि जो ड्रिप से अपन बूंद बूंद देती है उसको उसकी आवश्यकता अनुसार ही पानी की सप्लाई दी जाती है, उसे इसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है बूंद बूंद विधि का। पुष्कर की खेती के लिए जाना जाता है, पुष्कर। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत बहुत बार पूछा गया है। अरे पुष्कर जो अजमेर के अंदर है एक पर्यटक स्थल है, इसके अंदर किसकी खेती की जाती है? जो अपना अजमेर है ना, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुष्कर है, अपना तीर्थ स्थल है, उसके अंदर विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा घूमने आते हैं, तो इसके अंदर जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है वो बताओ आप, कौन सी फसल है? गुलाब की खेती। राइट आंसर क्या है? गुलाब। बिल्कुल सुनील, आपने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर अपना 64, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? यानी नर्सरी में जो पौधे उगाते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त, यानी कौन सा उपयुक्त है, यानी मृदा, मिट्टी, पेलाइट, स्पेगनम, मास, उपरोक्त सभी, यानी इनमें तीनों ही है तो तीनों का मतलब ये हो गया उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसका डी, बिल्कुल उपरोक्त सभी है। जो जिब्रेलिन अपना
जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने की। जापानी जो वैज्ञानिक है ना, ने 1926 में की थी। उसका क्या नाम है? हाँ जी, आकांक्षा चौधरी जी, गुलाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताओ। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने की थी, उसका क्या नाम है? इनमें से कोई नहीं, कुरोसावा, चार्ल्स डार्विन, एंटोसोवा। पता नहीं सर जी। ओके, अब तो एग्जाम भी लग गया, अब पता क्यों होगा। राइट आंसर इसका कुरोसोवा। ए राइट आंसर, ए कुरोसोवा। यह एक प्राणीगत कीटनाशक है। डाइमिथोएट, क्विनोलफॉस, क्लोरोफायरीन, मेथाइलिन, मेलाथियान, क्विनोलोफॉस, क्लोरोफायरीफॉस, डाइमिथोएट। राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल, आप करके आ जाती, पता है। हाँ, डाइमिथोएड इसका राइट आंसर है। डाइमिथोएड। प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? प्राइड 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 प्राइड। ये सभी वेजिटेबल है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। तो प्राइड किसकी है? पत्ता गोभी की किस्म है। राइट आंसर क्या है इसका? डी पत्ता गोभी। कुफरी पुखराज, कुफरी सीतमान और कुफरी अलंकार किस किस्म है? किसकी किस्म है? मूली की, फूलगोभी, आलू, बैंगन। जहां कुफरी लग जाता है पुखराज हो, चाहे कुफरी सीतमान हो, जहां कुफरी लग जाता है समझ लेना आलू। अरे ऑप्शन में जहां आलू दिखे वहीं राइट का आंसर कर दो। इसका राइट आंसर सी होगा। वाइटिस वेनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? वाइटिस वानिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? वाइटिस वाइटिस वानी विनिफेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? अमरूद, अंगूर, अनार, बेर। अमरूद, अंगूर, अनार, बेर। राइट आंसर होगा अंगूर। किसका है? अंगूर का है। विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? जो आम का जो प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है विश्व में? थाईलैंड, म्यांमार, चीन, भारत। राइट आंसर है भारत। बिल्कुल मुनेश जी, आपका भी सही है। सुनील जी, आपका सही है। भारत है इसका राइट आंसर।
भंडारण के दौरान प्याज के फूटान को, जो भंडारण करते हैं ना, जैसे प्याज का स्टोरेज कर लिया, तो प्याज को जब स्टोरेज करते हैं तो उसके दौरान प्याज में जो फूटान है उसको रोकने के लिए कौन सा बढ़वा नियंत्रक प्रयोग लेते हैं? जो स्टोरेज करते हैं जब, क्या लेते हैं? अरे भंडारण करते हैं ना, के दौरान प्याज के फूटान को रोकने के लिए। मुनेश जी, मैलिक हाइड्रोजाइड ए इसका राइट आंसर है। दिस फ्रूट इज इनगोरिंग ऑफ टू इंडिया, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। यानी जो भारत का स्वदेशी फल किसे कहते हैं? स्वदेशी फल भारत का। दिस फ्रूट इज इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, जो भारत का जो स्वदेशी फल किसे कहते हैं? भारत का फल स्वदेशी पपीता, सेब, बेर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बेर सी। जो स्वदेशी फल है उस बेर को बोलते हैं, पपाया नहीं है। लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। मुलेठी, इसबगोल, इनमें से कोई नहीं। अश्वगंधा। ये सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा था आज, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। इसका राइट आंसर बताओ। इसबगोल है, इनमें से कोई नहीं। अश्वगंधा, मुलेठी। राइट आंसर होगा मुलेठी ए। क्या होगा? ए मुलेठी। जैम में साधारणतया TSS% होता है, यानी जैम में जनरली कॉन्सेंट्रेट ऑफ TSS% यानी कितनी परसेंटेज होती है जैम में साधारणतया TSS की? नब्बे पॉइंट पांच परसेंट, 80.5, 70.5, 68.5। जेम में, अगर जेम में पूछते हैं तो 68.5 इसका राइट आंसर। सी राइट आंसर होगा सी, 68.5%। क्वेश्चन नंबर अपना 75, 75। निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी, यानी सूखा प्रतिरोधी कौन सा है? सूखा जिस, सूखे क्षेत्र में उसकी प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर जो उगाया जाता है, आम, अनार, आम, अमरूद, अंगूर, आम। राइट आंसर क्या होगा? अनार, अमरूद, अंगूर, आम। इसका राइट आंसर ए, ए होगा राइट आंसर, अनार। यह पौधे की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवर, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है।
यानी यह पौधों की सदाई की एक कला है। यानी जब पौधों को अपन छटाई करते हैं उसकी, उन पौधों में जैसे जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसे सजावटी आकार में भी काम में लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? परगोला, टोपियरी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर टोपियरी। टोपियरी राइट आंसर भी होगा इसका। शुगर बेबीज क्वालिटी। जो शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? शुगर बेबी, शुगर यानी मीठा। तो मीठे से क्या याद आते हैं अपन को? टिंडा, खरबूजा, तरबूज, कचरी। टिंडा मीठा नहीं होता, खरबूजा भी मीठा होता है, कचरी ये भी नहीं होती। तो शुगर बेबी का नाम आता है तो सबसे पहले अपन को तरबूज याद आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तरबूज। शुगर बेबी फसल की प्रजाति, किस फसल की प्रजाति है? तरबूज की। गोंदारती यानी गमोसिस। गमोसिस है ना, किस फसल से संबंधित है? आम, नींबू वर्गीय, पपीता, बेल। अरे गोदार्दी नहीं समझ पा रहे हो तो गमोसिस देख लो, किस फसल से संबंधित है? बेल से है कि पपीता से है, आम से? नींबू वर्गीय है। राइट आंसर भी नींबू वर्गीय है। नींबू वर्गीय। इसको चाइनीज लेरिंग, पोर्ट लेरिंग, मार्कोटेज या गूठी के नाम से भी जाना जाता है। अरे गूठी के नाम से किसको जाना जाता है? चाइनीज लेरिंग को, मार्कोटेज, पोर्ट लेरिंग किसको कहते हैं? कंपाउंड लेरिंग, सिंपल लेरिंग, ए लेरिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग राइट आंसर बी। एयर लेयरिंग राइट आंसर है इसका। खजूर का वानस्पतिक नाम। बोटनिकल नाम ऑफ डेटा प्लम। अरे बोटनिकल नाम पूछ लिया किसका? डेटा प्लम यानी खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? ड्यूरियो, जिपेथिनस, सीडियम गुआजावा, फिनिक्स डेटा कलाई फेरा, इनमें से कोई नहीं। वाह सुनील, राइट आंसर फिनिक्स डेटा फ्लाई फेरा। राइट आंसर सी है इसका, फिनिक्स डेटा फ्लाई फेरा। क्वेश्चन नंबर 81। हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? हंसिया के आकार का सींग निम्न में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता होती है? सूरती, नीली रावी, मुर्रा, मेहसाणा। अरे मुर्रा भैंस की है क्या? हंसिया, हंसिया
यूं आते ना सींग, इनको हसिया बोलते हैं। मुर्रा के क्या, मुर्रा के तो यूं घुमावदार होते हैं, यूं घुमावदार सींग, तो मुर्रा तो नहीं होगी। मैसाणा, सूरती, नीली रावी, सूरती राइट आंसर। सुनील आपके राइट है, ए सूरती। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़, जो उनकी जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, विश्व की, इंडिया की नहीं, विश्व के लिए पूछ रहे हैं कि लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है। मेरिनो, रेम्बोलियट, कोरिडेल और लिंकन। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है बताओ। विश्व की पूछ लेते हैं तो मेरिनो होगी इसकी राइट आंसर। क्या है, मेरिनो। गाय की होलिस्टिन फ्रीशियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, जो गाय की जो ब्रीड है ना, गाय की होलिस्टिन, उसकी कौन सी नस्ल उत्पत्ति स्थल। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से उसका उत्पत्ति स्थान पूछ लिया तो कौन सा होगा। राइट आंसर है बिल्कुल हॉलैंड। क्या है, हॉलैंड। गर्भर विधि, गर्भर विधि का उपयोग किया जाता है दूध में प्रोटीन की प्रतिशत ज्ञात करें। दूध में SNI प्रतिशत, दूध की अम्लता, दूध में वसा प्रतिशत। गर्भर विधि है ना, उसमें किसका परीक्षण किया जाता है, दूध में प्रोटीन प्रतिशत, दूध में SNF तो फैट में दूध निकालने के लिए, दूध की अम्लता नहीं, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी, यानी दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि काम लेते हैं। गर्भ टेस्ट का उपयोग किया जाता है, किसका, गर्भ टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है, यानी निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक। या आप कंफ्यूज होंगे, अरे आज कईयों ने गलत भी कर दिया इसको, डी कैसे, डी ए सी, कृमिनाशक, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मेलोक्सिकैम, आइसरमेक्टिन। राइट आंसर इसका बी होगा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन राइट आंसर बी। इसमें ही आपने गलती की थी आज। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुणत्व होगा, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुणत्व होगा 1.28, 1.028, 1.025, 0.28। बताओ इसमें कौन सा है राइट आंसर। राइट आंसर सी, 1.028 इसका राइट आंसर है सी। ये क्वेश्चन हमेशा खुरपका मुंह पका रोग
हर एग्जाम में जेट हो या 12वीं की बोर्ड की हो, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंह पका खुरपका रोग क्या है? जीवाणुजन्य है, विटामिन की कमी से है, परजीवी है या सहसर्ग? जीवाणुजन्य है, विटामिन की कमी वाला है या परजीवी है या सहसर्ग? राइट आंसर इसका डी होगा। क्या है इसका राइट आंसर? डी, सहसर्ग। अब आपके क्वेश्चन आ गया 88। किस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, किस के लिए पूछा है भाई? तथ्य सही नहीं है, इसको जोर से देकर पढ़ना, इसीलिए तो आपने आज गलत कर दिया। खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है, खीस विटामिन ए में भरपूर मात्रा, खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे घंटे से दो घंटे के अंदर देना चाहिए, खीस को शरीर के बाहर से 20% दर से देना चाहिए। हाँ, खीस को शरीर के बाहर से 20% दर से देना चाहिए। जब नवजात बछड़ा होता है या शिशु होता है उसको उस खीस की शरीर का, उसका नवजात होता है उसका शरीर का भार कम होता है तो उसके शरीर के 20% भार की दर से ही देना चाहिए, ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है। किस कुकुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जानते हैं? किस कुकुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? रानीखेत, आईबीडी, कोक्सीडाइकोसिस, फाउल पॉक्स? अरे किस कुकुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? अच्छा सॉरी, हाँ इसका बता दो आप, किस कुकुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? रानीखेत, राइट आंसर ए इसका, रानीखेत। क्वेश्चन आपका छोड़ दिया, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? बदावरी, नीली रावी, कुंडी, मुर्रा, कौन सी है? अरे तांबे के रंग के भैंस के जो है ना, तांबे का रंग, उसके शरीर में भैंस के किस नस्ल की विशेषता होती है? तो कौन सी है? बदावरी है, नीली रावी है, कुंडी है, मुर्रा? इसमें बदावरी आएगा, ये आंसर राइट है, बदावरी। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल, बदावरी, रानीखेत, ए ए। वाह आकांक्षा बेटा, बहुत अच्छा। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? टोगनबर्ग, बीटल, जमुनापुरी, बारबरी? राइट आंसर है इसका टोगनबर्ग, विदेशी पूछ लिया ना, विदेशी नस्ल तो टोगनबर्ग होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92, हिपर, आज सब हिपर में कंफ्यूज हो रहे, किसको कहा जाता है? नर युवा बैल को पहले, परसव से पहले, युवा मादा मवेशी को, भैंस मवेशी को पहले, स्तनपान कराने के बाद गाय?
पहले प्रसव के पहले युवा मादा को मवेशी को क्या कहते हैं? हिपर। क्या बोलते हैं? हिपर किसे बोलते हैं? पहले प्रसव से पहले युवा मादा को मवेशी होता है ना, उसको। मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहते हैं? जो मेमना होता है ना, छोटा बच्चा, बेड का छोटा बच्चा, उसकी पूंछ को हटाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिटेचिंग, नॉकिंग, डिटेलिंग, डॉकिंग, क्या कहते हैं? डॉकिंग। राइट आंसर सी इसका, डॉकिंग। क्वेश्चन 94, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था कहां पर है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था कहां पर है? ये तो सबका क्वेश्चन सही होगा, इसको भी बचपन से पढ़ते आए हैं, तो सबका क्वेश्चन सही होगा ये। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अविका नगर टोंक, टोंक में। टोंक कहाँ है? राजस्थान में। तो राइट आंसर इसका सी होगा। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या? एक पूर्ण मुंह वाले ऊंट के दांत की संख्या पूछ ली, सब कंफ्यूज हो गए, इसको छोड़ दिया, किसी ने गलत कर दिया। ऊंट का पूछा भाई दांतों की कुल संख्या 34, 44, 38, 30। राइट आंसर 34। ए राइट आंसर क्या? 34 एंड 34 है राइट आंसर। ए निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? यानी जो भेड़ की नस्ल है उसको राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो, चौकला, नाली, पुंगल, मालपुरा। वाह कांक्षा बेटा, आपने चौकला, भगवान शाह सुल्तानिया जी। ए राइट आंसर है, चोकला होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, केपरा हिकर्स वैज्ञानिक नाम किसका है? केपरा हिकर्स वैज्ञानिक नाम किसका है? केपरा हिकर्स, बकरी का, भेड़ का, भैंस का, गोवंश का। केपरा हिकर्स वैज्ञानिक नाम किसका है? बकरी का। सुनील आपका राइट है, सुनील बोचलिया ए बकरी का। आकांक्षा बिल्कुल ए बकरी। भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ियों अर्बेनियन प्रजाति के सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो भारत में पाई जाने वाली जो ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन की प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? विकुना, बैक्ट्रिन, ड्रोमेडरी, अल्पाका। विकुना, बैक्ट्रियन, अल्पाका, ड्रोमेडेरी, यानी जो भारत में जो ऊंट की कुबड़ युक्त पाई जाती है ना अरेबियन, कौन सी ना प्रजाति, प्रजाति यानी नस्ल आ गई इसकी, कौन सी है? ड्रोमेडेरी। बी होगा बी, बी नहीं होगा, डी होगा डी।
डी ड्रोमोडेरी। नवीनतम पशुगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो नवीनतम आंकड़े है ना, नवीनतम आंकड़ों में राजस्थान का बकरी में आबादी है ना, उसमें कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, प्रथम, दूसरा, इसका कौन सा है? डी आंसर प्रथम, बकरी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बकरी की जो आबादी है उसमें राजस्थान का प्रथम है, डी आंसर राइट। और आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? विरेचक, विरेचक के रूप में किसका किया जाता है? अब इसमें आप सब कंफ्यूज हो गए। मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल भी काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उपयुक्त सभी, बताओ कौन सा होगा इसका? डी आल का, बिल्कुल उपयुक्त सभी, यानी इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही काम में लेते हैं विरेचक के रूप में, तो इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भ्रमित हो रहा है, कोई किसकी बुक उठा रहा है, कोई किसके और नोट्स देख रहा है, किसी में गलत गलत किसी का नहीं है, जो एकदम आपको क्वेश्चन बताए वो सब राइट है, जो ऑथेंटिक बुक होती है, कल को अजनेस बोर्ड अपनी जो आंसर की डालेगा उसमें मिला लेना। हाँ, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले थे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ओके।